अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, ते फैमिली दुकानदारी कर रहे सी, ते हुण टाइम हो गया पट्ठियां दा, ते हुण चले आ पट्ठे पाउण। सब्जी आई पई सी, ते फिर जड़ा ना अज सब्जी दा कैंसल, अज पकावांगे साग। साग मतलब कि पका के फ्रीज कीता होया, अज उहनूं जड़ा ना अच्छी तरीके जड़ा ना गर्म कर लाँगे, अदरक लसन पा के। फिर तुहानूं दस्सांगे कि साग किवें गर्म हुंदा, मतलब कि देसी चीज़ां पा के किवें साग गर्म करीदा। तो हुण चलदे आ पट्ठे पाउणे आ। पट्ठियां दा टाइम हो गया, 3 वजण लगे आ। अज सारी दिहाड़ी बस सीधी लंघ गई, पहले घर काम करदे रहे, घरों हुण वेले हो किथे आए सीगे। तो फिर जड़ा वा हुण पट्ठियां दा टाइम हो गया, दुकानदारी सारा कुछ फिर नाल नाल। चलते हैं जी हवेली, चल के पट्ठे पाइए। घर वाले ने आर्डर दिता जी पट्ठे पाओ, आ जा नी। दुकान ते मेरा बूढ़ा हले मैं मजबूरी है, मेरे को कैमरामैन बंदा नहीं है, इस करके फिर आप ही हो गई। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, ते फैमिली साग हो गया तैयार। देखो आप पाइया कोक, अदरक, सब्ज़ मिर्चा। हूँ मैं मेथी ते धनिया पा के इनू दम दे दिता वा, तो हूँ बनावांगे रोटी। तो हूँ मैं लगी सी कि चले हाँ तवी ते, तो उस तो पहले मैं कहा चलो थोड़ा जहा घर का काम कर लीए। देखो हाली बिस्तरे बुस्तरे करने वाले पे है, 5 बज गए ने, हम बनावांगे बिस्तरे। अज घर की कीती सफाई, स्टोर रूम साफ किया है जी अपना स्टोर रूम। तो स्टोर रूम तो मतलब कि देखो आ है वह समान, फसलां जाना घर, तो फिर इस करके इदी सानू मतलब कि रखना पैंदा वा। तो वह बाज दफा जरा ना फसलों के पिछले फिर आ जाते हैं जो चूहे वगैरह ये वो इदा दीज़ा। तो घर
ਕੱਲ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਵੀ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗੀ, ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤਵੀ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਵੀ ਤੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।